दोहे यहाँ पर हम आज बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी जो है वो हिंदी साहित्य में रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवियों की क्या विशेषता होती थी कि उनमें श्रृंगार रस से संबंधित जो काव्य है वो ज्यादा लिखते थे। तो बिहारी ने भी क्या लिखा है, श्रृंगार रस से संबंधित ही काव्य ज्यादा लिखा है। हालांकि बिहारी ने सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में एक ही पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। उन 713 दोहों का जो विषय है वो है भक्ति, नीति और श्रृंगार। यानी कि उसमें ईश्वर की भक्ति से संबंधित भी दोहे हैं, नीति यानी कि सांसारिक ज्ञान देने से संबंधित भी दोहे लिखे हैं, और श्रृंगार यानी कि नायक नायिका के प्रेम प्रसंग से संबंधित भी उसमें दोहे हैं। जो बिहारी है वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है अपनी बिहारी सतसई के लिए। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र पुस्तक है। तो एक ही पुस्तक से बिहारी इतने ज्यादा प्रसिद्ध कैसे हो गए? क्योंकि इनकी जो पुस्तक के अंदर जो दोहे लिखे गए हैं उसके बारे में क्या कहा गया है कि इनमें बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति है और शब्दों की समास शक्ति है। शब्दों की समास शक्ति का मतलब क्या है कि कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और कल्पना की समाहार शक्ति का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कल्पना करते हैं। अर्थात बिहारी कम शब्दों में ज्यादा कल्पनाएं करते हैं या ज्यादा भाव भरते हैं। बिहारी की विशेषता हुई कि वो कम शब्दों में ज्यादा बात कह देते हैं, ज्यादा भाव भर देते हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने सागर में गागर भर दिया, नहीं गागर में सागर भर दिया है। गागर का मतलब क्या है? घड़ा। और सागर का मतलब क्या है? समुद्र। बिहारी ने क्या किया है, घड़े में समुद्र भर दिया। यानी कि घड़ा यहाँ पर क्या है, शब्द, और समुद्र क्या है, भाव। यानी कि कम शब्दों के अंदर इन्होंने अधिक भाव भर दिए हैं। बिहारी सतसई जो है वो इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह जो अपने जयपुर राजस्थान के जो राजा हैं उनके यहाँ लिखी थी। मिर्जा राजा जयसिंह के जब ये दरबारी कवि बने तो उस समय मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नई नवेली दुल्हन का जो प्रेम है उसमें वो आसक्त थे, और इसी वजह से वो राज कार्य में जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो वहां के जो दरबारी है उन्होंने बिहारी जी से कहा कि भैया आप राजा जी को समझाइए। तो बिहारी जी ने एक पर्ची के ऊपर एक दोहा लिख के भेजा मिर्जा राजा को। दोहा क्या था कि ना ही पराग ना ही मधुर मधु, ना ही विकास ही काल, अली कली सो ही बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात अभी ये जो नायिका है इसकी कम उम्र है, अभी ये कली है, और आप भंवरे की तरह अभी ही इसके चारों तरफ मंडराने लगे। जब इसके सौंदर्य में निखार आएगा, जब ये कली फूल बनेगी, तब आपकी क्या हालत होगी। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जैसे ही ये दोहा पढ़ा तुरंत उन्हें समझ में आ गया और वो क्या है अपने राज कार्य में वापिस लग गए। तो बिहारी के दोहे की एक ताकत है कि वो एक राजा की जो सोच है उसको भी उन्होंने बदल दिया। अब हम बात करते हैं इनके दोहे। दोहे की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहारी को अपने दोहे लिखने पर हर एक दोहे पर एक सोने की अशर्फी मिलती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हर रोज 100 150 50 दोहे लिख दिए, नहीं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर सिर्फ 713 दोहे ही लिखे और एक ही पुस्तक मिली, जबकि उन्हें हर दोहे के ऊपर एक सोने की अशर्फी मिलती थी। अब अपने जो जो दोहे हैं उसमें क्या है देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मनी सैल पर आतप उपर्यो प्रभात। तो मैंने आपको बताया कि बिहारी सतसई में जो विषय है वो तीन विषय है, भक्ति, नीति और श्रृंगार। तो यहाँ पर भी जो दोहे हैं इनमें भी तीन विषय आएंगे, कोई भक्ति से संबंधित होगा, कोई नीति यानी कोई ज्ञान देने से संबंधित होगा, और कोई श्रृंगार यानी कि नायक नायक और नायिका के प्रेम से संबंधित होगा। पहला जो है ये दोहा, ये श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताया गया। तो ये क्या है, भक्ति से संबंधित दोहा है, और इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है, उत्प्रेक्ष से अलंकार है। क्यों? क्योंकि अभी मनो आ गया, मनो मानो, मान लिया है, जान लिया, जन्हू जानो, ये क्या वाचक शब्द है उत्प्रेक्ष अलंकार के। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है।
सो देखो इसका भावार्थ क्या है, सोहत का मतलब बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े का मतलब ओढ़े हुए, क्या ओढ़े हुए, पीतू, पीतू का मतलब है पीला, पटु का मतलब है वस्त्र, श्याम का मतलब कौन है, कृष्ण भगवान, सलोने का मतलब क्या है, सांवले रंग के, गात का मतलब क्या है, शरीर, कृष्ण भगवान का जो सांवले रंग का जो शरीर है और उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, यह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। कैसा सुंदर लग रहा है, मनो यानी कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि सैल, नीलमणि क्या होती है, नीले रंग की मणि होती है, उसका सैल यानी उसकी जो शिला होती है उस पर आतपु प्रयोग प्रभात, आतपु का मतलब है प्रकाश, प्रयोग का मतलब है पड़ा, प्रभात का मतलब है सूरज, सुबह, सुबह का जो सूरज का जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, वो प्रकाश होता है लाल या पीला, जब नीलमणि पर सुबह का जब पीला प्रकाश पड़ता है तो उस नीलमणि में से दो तरह के रंग निखर के आते हैं, एक तो नीलमणि खुद खुद का जो नीला रंग है वो, और एक पीले रंग के प्रकाश का जो पीली आभा है वो। तो कृष्ण भगवान जो कि नीले रंग के हैं उनका उन्होंने क्या पहन रखा है, पीले रंग का वस्त्र पहन रखा है। देखो यहाँ पे श्याम का मतलब क्या है, कृष्ण है, और श्याम का मतलब काला नहीं होता, श्याम जो शब्द है उसके मतलब तीन रंग होते हैं, श्याम का मतलब काला रंग भी होता है, श्याम का मतलब नीला रंग भी होता है, और श्याम का मतलब हरा रंग भी होता है। तो जहां कहीं पर भी श्याम आ जाए उसका मतलब ये नहीं कि काला रंग है, वहां नीला रंग भी है, हो सकता है जो संदर्भ क्या है उस संदर्भ में देखेंगे, पर वहां पर हरा रंग भी हो सकता है। जैसे सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, उसमें सस्य श्यामला जो वहां पे जो श्याम जो शब्द है वहां पे वो हरे रंग से संबंधित है, तो यहाँ पर श्याम का मतलब क्या है, नीला। तो कृष्ण भगवान का जो नीला शरीर है और उन्होंने पीले रंग का पीतांबर पहना हुआ है, तो ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणि के ऊपर सुबह के जो सूरज का जो पीला प्रकाश पड़ा है, तो वो जो नीलमणि है वो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, वैसे ही क्या है, कृष्ण भगवान बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो कृष्ण भगवान की सुंदरता का यह वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे रस कौन सा हो गया, श्रृंग आपके भक्ति रस हो गया, और अलंकार कौन सा हो गया, उत्प्रेक्ष अलंकार, और ये छंद कौन सा हो गया, दोहा छंद, और इसकी भाषा कौन सी है, पूरे चैप्टर की भाषा है आपके ब्रज भाषा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवंसो कियो दीर्घ दाग निदाग, कहलाने के लिए एकत एक साथ बसत यानी कि बसते हैं, अही का मतलब है सांप, मयूर का मतलब है मोर, मोर और सांप दोनों की दुश्मनी है लेकिन वो एक साथ बस रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, मृग और बाघ, हिरण और शेर, उनकी आपस में क्या है, बैर है, प्राकृतिक बैर है, लेकिन वो भी क्या है, एक साथ बस रहे हैं कहलाने के लिए, हालांकि उनके वो बैर है। क्यों है ऐसी स्थिति, जगतु तपोवंसो कियो दीर्घ दाग निदाग, जगतु का मतलब है जगत को, संसार को, तपोवन के समान, सौ का मतलब है समान, कियो किया, दीर्घ बहुत ज्यादा, दाग गर्मी, निदाग ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की जो बहुत ज्यादा गर्मी है उसने इस संसार को, इस जगत को तपोवन के समान कर दिया है। तपोवन में क्या होता है, तपोवन में होता है जहां पर जो ऋषि मुनि तप करते हैं, जब ऋषि मुनि तप करते हैं तो वहां का जो वातावरण है वो होता है, वातावरण क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, और उस शांत वातावरण के अंदर जो कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य रहता है वो सभी आपसी बैर भाव का त्याग कर देते हैं, अपना जो विष है उसका भी वो वैसे जो जानवर वो अपने विष का त्याग कर देते हैं, और सभी जो जीव जगत है वो एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये जो दीर्घ दाग निदाग यानी कि ग्रीष्म ऋतु की जो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इसने भी संसार को गए तपोवन के समान कर लिया, क्यों, क्योंकि इस गर्मी के अंदर बाघ और मृग जिनके आपस में क्या है शत्रुता है वो भी एक साथ बैठे हैं, और मोर और सांप इनकी भी क्या आपस में शत्रुता है लेकिन ये भी क्या एक पेड़ की छांव में बैठे हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी की वजह से इन सभी की हालत क्या है खराब हो गई, और ये छांव के अंदर सारे एक साथ ही बैठे हैं, तो इनको एक साथ बैठा देखकर कवि ये कल्पना कर रहा है कि गर्मी ने क्या किया, इस संसार को तपोवन के समान कर दिया है जहां पर सभी लोग अपना बैर, अपनी दुश्मनी,
अपने क्रोध, अपना जहर और अपने विष को भुलाकर एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये देखो, ये सांसारिक, ये संसार का थोड़ा सा ज्ञान दिया इन्होंने, तो ये क्या नीति से संबंधित दोहा हो गया। और इसमें अलंकार कौन सा हो गया, सौ का मतलब क्या होता है, समान। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा, ये उपमावाचक शब्द है। उपमावाचक शब्द कौन कौन से होता है, सा से सी सम सरित सदृश इमे जीवी इव और सौ, ये क्या है, उपमावाचक शब्द है। जब भी काव्य केंद्रीय शब्द आता है तो यहाँ पे अलंकार कौन सा होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे सौ आया तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है, उपमा। अगला देखते हैं, बत्रस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनु हसे देन कहे नट जाए। ये देखो कृष्ण भगवान जो है वो और गोपियों के मध्य जो क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पे भक्ति रस है। बत्रस का मतलब है बातों का रस, हम छोटे बच्चों से बातें करना चाहते हैं ना, छोटे बच्चों से बात करते हैं क्यों, क्योंकि वो थोड़ी तुतला के बोलते हैं, उनकी हम चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, तो हम क्या है कि उनसे बात करके आनंदित महसूस करते हैं। तो जो गोपिकाएं हैं वो भी, जो कृष्ण भगवान जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ, उसके साथ बातें का रस लेने के लिए वो जानबूझ के उनकी मुरली को क्या करते हैं, उनकी बांसुरी को क्या कर लेते हैं, छुपा लेती है, ताकि वो कृष्ण भगवान उनसे आके पूछे कि भाई मेरी बांसुरी कहाँ है, तो वो उनसे बात करने का मौका मिले। तो देखो क्या है, बत्रस लालच लाल की, बत्रस यानी कि बातों का रस, बातें करने की इच्छा, किससे, कृष्ण भगवान से बातों का रस लेने के लिए उस लालच में। लाल की, लाल कौन है, कृष्ण भगवान की मुरली धरी लुकाए, उसकी बांसुरी जो है वो छुपा ली। अब क्या अगर सौ करे यानी कि सौगंध खा रही है कि भाई मेरे पास नहीं है, कृष्ण भगवान आके पूछते कि मैं मुरली कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है, तो गोपिका ये सौगंध खा के कहती है कि मेरे पास नहीं है मुरली। भवनु हसे अगर अपने जो बोहे हैं, जो आईब्रो हैं, उससे हंस रही है। बोहों से हंसने का मतलब क्या हो गया कि मन ही मन हंस रही है, उन्हें पता है ये बांसुरी तो उनके पास है लेकिन उनको क्या चाहिए, बच्चे से वो कृष्ण भगवान से बातें करना चाहती, इसीलिए उन्होंने उस बांसुरी को छिपाया है और इसीलिए उनको अब मन ही मन हंसी आ रही है। देन कहे नट जाए, देने का कहती है कि अभी आप, अभी देती हूँ, और फिर कहती है कि मेरे पास नहीं। नट जाए का मतलब है नट जाती है, मना कर देती है कि मेरे पास नहीं है। देखो एक चीज यहाँ पे आप नोट करो कि गोपिकाओं ने कृष्ण भगवान की बांसुरी छुपाई है, मोर मुकुट क्यों नहीं छुपाया, उनके कोई कंगन पहना होगा वो क्यों नहीं छुपाया, वो कृष्ण भगवान माखन भी खाते थे, माखन भी नहीं छुपाया, बांसुरी क्यों छुपाई है, क्यों, क्योंकि कृष्ण भगवान हर समय 24 घंटे बांसुरी को अपने पास में रखते थे, यहां तक भी जब वो सोते थे तो बांसुरी को साथ में लेकर सोते थे। राधा जी ने एक बार कृष्ण भगवान से पूछा भी कि ऐसा इस बांसुरी में क्या है कि ये हर समय आपके पास में रहती है, जबकि मैं राधा हूं, राधा और कृष्ण दोनों ही एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी मुझे आपसे मिलने का समय थोड़ी देर ही मिल पाता है, जबकि ये बांसुरी जो है वो हर समय आपके पास रहती है, क्या कारण है इसका। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस बांसुरी में तीन गुण है। ये आपको मैं ऐसी कहानी बता रहा हूँ बांसुरी से संबंधित, कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसमें तीन गुण है जिसकी वजह से बांसुरी जो है मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पहला गुण क्या है, पहला गुण ये है कि जब तक इसको न बजाया जाए तब तक ये बजती नहीं है। दूसरा गुण क्या है कि जब भी बजती है ये मीठे ही बजती है। और तीसरा गुण क्या है कि ये अंदर से एकदम क्या है, खाली है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे ही लोग मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, जो जब तक बोलाया नहीं जाए तब तक नहीं बोले, जब भी बोले मीठा बोले, और उनका जो हृदय है वो विषय वासनाओं से रहित हो, खाली हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, ऐसे लोग क्या मुझे पसंद है, और ऐसे लोगों को मैं हर समय अपने पास रखता हूँ। तो इसीलिए बिहारी ने यहाँ पर मोर मुकुट नहीं लिखा है, माखन नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मुरली धरी लुकाए लिखा है। ये छोटी सी कहानी थी जो इस प्रसंग वश मैंने आपको सुना दी। अगला क्या देखो, तो ये इस दोहे का जो रस है वो आपके क्या हो गया, भक्ति रस हो गया। अगला दोहा देखते हैं, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। अब देखो यहाँ पर एक नायक नायिका है
उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा, श्रृंगारस। और इसमें देखो ये दोहा जो है गागर में सागर भरने के लिए ये एकदम परफेक्ट दोहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत ज्यादा भाव भर दिए गए। कहत का मतलब है, देखो पहले क्या बता रहा हूँ आपको कि एक भवन है, भवन में बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे आप ऐसे समझ लो कि कोई पार्टी चल रही है ना, सब खाना पीना कर रहे हैं वहां पर। दूर नायक खड़ा है और उससे दूर क्या खड़ी है, नायिका खड़ी है। तो अब दृश्य क्या उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, कहत। नायक और नायिका की जब नजरें मिलती है तो नायक जो है वो आंखों ही आंखों में अपना प्रणय निवेदन नायिका के सामने प्रस्तुत करता है, उसी को कहा गया है कहत। नटत, नटत का मतलब नायिका उस प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है। रीझत, नायक जो है उसके अस्वीकार करने पर रीझ जाता है, यानी कि और ज्यादा उसके प्रति प्रेम की भावना आ जाती है नायक के अंदर। जब नायिका मना करती है तो नायक में, नायक के हृदय में नायिका के प्रति और ज्यादा प्रेम उमड़ पड़ता है। खींचत, और नायिका को जब पता चलता है कि मैं तो मना कर रही हूँ और ये मुझसे और ज्यादा प्रेम कर रहा है, तो इस बात से नायिका क्या है, खींच जाती है, उसको क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, झूठा गुस्सा है। लेकिन वो मिलत, फिर थोड़ी देर बाद दोनों की आंखें मिलती है, नैन मिलते हैं, नजरें मिलती है। खिलत, दोनों के दिल क्या है, खिल जाते हैं। अब जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाता है और नायिका जो है वो नायक के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लेती है। लज्जा, लेकिन उसे इस बात की लज्जा भी है, वो उसे अभिव्यक्त नहीं होने देती। भरे भवन में करत है नैनो नहीं सब बात, और इस प्रकार भरे भवन में जहां पर बहुत सारे लोग हैं, भरे भवन का मतलब है जो उस भवन में जहां पर बहुत सारे लोग हैं, करते हैं नैनन ही आंखों से सब बात, सारी बातें हो गई, प्रणय निवेदन भी हो गया और गिला शिकवे भी हो गए, गिले शिकवे हट भी गए और उस प्रणय निवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया। तो इतना सब कुछ हो गया लेकिन इतने कम शब्दों के अंदर। तो यही क्या है बिहारी की जो काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इसका जो रस कौन सा हो जाएगा आपके, श्रृंगार रस हो जाएगा। अब अगला क्या है, बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। बैठी, देखो यहाँ पे क्या गया है कि गर्मी का मौसम है, जेठ का महीना है, जेठ का महीना होता है मई जून, मई जून के महीने की जो गर्मी है, दोपहर की जो गर्मी है उसको कवि देख रहा है और उसको देखकर ये कविता लिखी है, ये दोहा लिखा है। कवि क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या कह क्या देखा क्या, सबसे पहले उसने देखा ये कि कहीं पर भी छाव दिखाई नहीं दे रही। भाई मई जून में क्या होता है, दोपहर के समय 12 बजे 1 बजे सूरज जो है वो हमारे सर के एकदम ऊपर होता है, और उस समय अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारी जो छाया है, हमारी जो छाया है वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, इसलिए छाया जो है वो बहुत छोटी हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है, और न केवल हमारी, किसी भी वस्तु की जो छाया है, जो धूप में खड़ी उसकी छाया दिखाई नहीं देती। तो कभी ऐसा कल्पना कर रहा है कि जो छाया है ना वो खुद भी छाया चाहती है, उसको भी गर्मी लग रही है इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रही है ना। वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे अगर आपने कभी घर गए होंगे तो भरी गर्मी के अंदर वृक्ष के नीचे भी अगर आप जाओगे तो तने से सटकर ही हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो छाया है वो बहुत ही क्या है, कम होती है। लेकिन छाया आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगी जहां पर 8-10 पेड़ एक साथ लगे हुए हैं या बहुत कोई घना जंगल है, वहीं पर आपको क्या लगेगी, छाया मिलेगी, उसके अलावा छाया नहीं मिलेगी, है ना। न कि और हम खड़े हो जाएंगे धूप के अंदर तो हमारी खुद की भी छाया हमें दिखाई नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति को देखकर कवि क्या कल्पना कर रहे हैं, बैठी रही अति सघन वन, कौन बैठी रही, छाया, छाया जो है वो कोई सघन वन के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पर जाकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि छाया को भी इतनी गर्मी लग रही है जेठ की दोपहर के अंदर। बैठी सदन तन माह, सदन का मतलब होता है घर, तन का मतलब शरीर, इस शरीर रूपी घर के अंदर बैठ गई यानी कि घुस गई है। माह का मतलब भीतर, कौन, छाया, कैसे, क्योंकि धूप के अंदर जब आदमी खड़ा होता है तो छाया तो दिखाई नहीं देती, तो कभी ये कल्पना करे कि छाया क्या हमारे शरीर के अंदर ही चली गई, क्योंकि छाया को खुद को भी क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, इसलिए वो हमारे शरीर रूपी जो घर है इसमें चली गई है। देख दोपहरी जेठ की छाह चाहती छा, दोपहरी जेठ की दोपहरी को देख कर छाया खुद को ही छाया को खुद को छाया चाहिए, उसको भी इतनी गर्मी लग रही है। तो ये गर्मी के जो जो वातावरण है उसका कवि ने वर्णन किया। तो इन्हीं संबंधित दुआ हो गए।
अगला क्या है फिर, वियोग श्रृंगार पर है आपके, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर है और नायिका जो है वो नायक को पत्र लिखना चाहती है, या कह सकते हैं हम अपने मन की बात कहना चाहती है, लेकिन वो सोच रही है कि कैसे कहूं, क्यों, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। नायिका कह रही है कि मैं कागज पर लिखना चाहती हूँ लेकिन लिखत न बनत, लिखते हुए नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि जब मैं नायक को पत्र लिखना चाहती हूँ तो मुझे उसकी इतनी याद आती है कि मुझे मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस आंसू की वजह से वो जो कागज है वो गीला हो जाता है और मेरे हाथ है वो भी कांप रहे हैं, तो मैं कागज पर जो अपने जो हृदय की बात है वो लिख नहीं पा रही हूँ। कहत संदेश उलझात, और किसी को ये संदेश देते हुए मुझे क्या आ रही है, लज्जा आ रही। संदेश क्या देना कि भाई किसी को कह दे कि भाई मेरे जो प्रियतम है उसको जाकर ये मेरे हृदय की बात कहो, तो ऐसा मैं किसी से कह नहीं सकती अपने हृदय की बात, उसमें मुझे लज्जा हो रही है। कहियो सब तेरो ही हो, तो अब नायिका क्या कह रही है नायक से कि अब मेरा संदेश तुझ तक कैसे पहुंचेगा, वो ऐसे पहुंचेगा कि कहियो सब तेरो ही हो, कहेगा सब कुछ तेरा हृदय, तेरा किसका, नायक का, कहेगा सब कुछ तेरा हृदय मेरे हृदय की बात। नायिका कहती है कि मेरे हृदय में जो भी प्रेम है तुम्हारे प्रति वो सच्चा प्रेम है, तो सच्चे प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए तू तेरे हृदय से पूछ ले, तेरा जो हृदय है वो खुद ही मेरे हृदय की बात कह देगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम की अत्यंत गहनता का यहाँ पर वर्णन किया गया कि नायक और नायिका के बीच में कितना ज्यादा गहरा प्रेम है। तो यहाँ पे रस कौन सा जाएगा उसमें, श्रृंगार रस है। अगला क्या है, प्रकट भये दुजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केसव केसरे। देखो यहाँ पर ये जो दोहा है इसके अंदर क्या है कि दो भाव निकले, एक बार हम पढ़ेंगे तो अलग भाव में पढ़ेंगे, दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो अलग भाव में पढ़ेंगे। तो जब एक ही दोहे से जब दो दो अर्थ, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर एक अलंकार होता है जिसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। देखो व्याकरण का नियम तो ये कहता है कि एक शब्द जो है एक बार में एक ही अर्थ देगा, जैसे कि कमल है। अब कमल का मतलब क्या, कमल का या तो फूल हो सकता है या कमल का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, दोनों अर्थ एक बार में एक साथ नहीं हो सकते। या तो उसका अर्थ कमल का फूल ले लो और या इसका अर्थ कमल नाम का कोई व्यक्ति ले लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन ये कवि जो लोग होते हैं उनमें ये वाक चातुर्य होता है या ये कह रहे वक्रोक्ति थोड़ी होती है उनके अंदर कि वो एक ही शब्द में दो तीन अर्थ रख देते हैं। तो एक ऐसा शब्द है इसके अंदर जिसकी वजह से इस पूरे दोहे के दो अर्थ निकलते हैं। तो ऐसा जो शब्द होता है जिसकी दो दो अर्थ निकलते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं, काव्य की भाषा में श्लिष्ट शब्द कहते हैं। श्लेष का मतलब क्या होता है, यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और श्लिष्ट पद में क्या होता है कि जिस पद या जिस शब्द पर एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं वो पद क्या कहलाता है, वो शब्द क्या कहलाता है, श्लिष्ट पद कहलाता है। तो यहाँ पर श्लिष्ट पद कौन सा है, द्विजराज है। कैसे, देखो द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और ज। द्वि का मतलब होता है दो और ज का मतलब होता है जन्म लेना। जिसका जन्म दो बार होता है वो द्विज कहलाता है। दो बार किस किस का जन्म होता है, पक्षी का, पहले अंडे के रूप में और फिर वो अंडे से बाहर निकलता है। दो बार जन्म होता है चंद्रमा का, पहले वो अमावस को समाप्त होता है फिर एकम को वापस दिखाई देने लगता है। द्विज कहते हैं नाखून को, उसको काटते हैं फिर वो आ जाता है। तो द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, एक बार तो उसका जन्म होता है जैसे सभी लोगों का जन्म होता है, दूसरी बार उसका जन्म होता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार हिंदू धर्म माना जाता है कि ये व्यक्ति का दूसरा जन्म है। तो चूंकि दो दो बार जन्म होता है तब इन सभी का जो पर्यायवाचक है द्विज है। तो यहां पर देखो द्विज के मतलब दो है, पहले हम चंद्रमा के अर्थ में लेते हैं और दूसरी बार हम इसे ब्राह्मण के अर्थ में लेंगे।
चंद्रमा के अर्थ में क्या कह रहा है कि प्रकट भय दुज राज कुल सुबस बसे ब्रज आई मेरे हरो कलेश सब केशव केसरे। केशव केसरे में केशव का मतलब तो क्या है, कृष्ण भगवान, और केशव राई कौन है, केशव राई बिहारी के पिताजी का नाम है। तो सबसे पहले ये दुजराज जो शब्द है इसका अगर हम अर्थ लेते हैं चंद्रमा, तो उसके संदर्भ में इस पूरे जो दोहा है उसका क्या अर्थ निकलता है कि प्रकट भय दुजराज कुल, कि आपका प्रागट्य हुआ किस कौन से कुल में, चंद्र कुल में। कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो चंद्र कुल में हुआ था, राम भगवान का जो जन्म है वो सूर्य कुल में हुआ था। तो कृष्ण भगवान का जन्म किस में होता है, चंद्र कुल में। तो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि आपका प्रागट्य हुआ चंद्र कुल में, और सुबस बसे ब्रज आई, और आप अच्छे हुए जो ब्रज में आकर बस गए, है ना। वसुदेव जी के ये पुत्र थे और नंद बाबा के यहाँ ब्रज में आकर ये बस गए। मेरे हरो कलेश सब, मेरे हरो मैं हरण कर लो, दूर करो, कलेश का मतलब है जितने भी दुख हैं। केशव केसर है, हे केशव हे कृष्ण भगवान आप मेरे पिता तुल्य। पिता कौन है, केशव, आप मेरे लिए केशव राय के समान हो। केशव राय कौन है, पिता। कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान आपका जो जन्म है वो चंद्र कुल में हुआ है, आप अच्छे हुए कि आप ब्रज जो भूमि है वहां पर आकर बसे, आप मेरे सभी दुख दर्दों को दूर करो, आप मेरे लिए क्या हो, पिता के समान हो। एक तो ये अर्थ हो गया जब हम दुजराज का अर्थ क्या, द्विज का अर्थ क्या ले रहे हैं, चंद्रमा। दूसरा अर्थ क्या है, ब्राह्मण। अब द्विज का अर्थ हम ब्राह्मण लेंगे तब इस पूरे दोहे का क्या अर्थ निकलेगा, अब देखते हैं। प्रकट भय दुजराज कुल, यानी कि आपका प्रागट्य हुआ या जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। अब ये किसको कह रहे हैं, अपने पिता को कह रहे हैं, अभी अपने पिता को कह रहे हैं कि आपका जन्म किस में हुआ, ब्राह्मण कुल में, और सुबस बसे ब्रज आई, और आप क्या है ब्रज में आकर बस गए। तो पिता का जन्म तो कहीं और हुआ था, और ये क्या है ब्रज मथुरा में हुआ था इनका, और इन ये आकर कहां बस गए, ब्रज के अंदर। मेरे हरो कलेश सब, हे पिताजी आप मेरे जितने भी दुख दर्द है उनका क्या आप निवारण कर दो, क्यों, क्योंकि केशव केसर आप मेरे लिए किसके समान हो, कृष्ण के समान, केशव के समान है। हे केशव राय कौन है, पिताजी का नाम है। हे पिताजी आप मेरे लिए कृष्ण यानी कि भगवान के समान हो, तो आप क्या करो मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दो। आपका जन्म किस में हुआ है, आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, और आप जो है वो ब्रज में आकर बसे, और आप मेरे लिए कृष्ण के समान हो, भगवान के समान हो, आप मेरे जितने भी दुख दर्द है उनको दूर कर दो। तो यहाँ पर क्या है, भक्ति रस है, चाहे पिता के संदर्भ में भी देख लो और चाहे कृष्ण के संदर्भ में भी देख लो। यहाँ पर रस कौन सा है, भक्ति रस है। अलंकार कौन सा है, श्लेष अलंकार है। अगला कौन सा है, जप माला छापे तिलक सरे नए को कामु मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। बिहारी कह रहे हैं कि माला जपने से, छापर लगाने से, तिलक लगाने से सरे न एको काम, कोई भी काम नहीं सरेगा, कोई काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन सभी का भक्ति से कोई लेना देना नहीं। भक्ति का संबंध सीधा और सीधा हृदय से, अगर हृदय के अंदर यानी कि मन अगर सच्चा है, साचे राचे राम, तो साचे का मतलब सच्चे, सच्चे मन में रचेंगे, या राचे का मतलब रचेंगे या बसेंगे, कौन, रामू, रामू का मतलब कौन है, राम या ईश्वर। और अगर मन कच्चा है तो नाचे वृथा, मन कांचे का मतलब मन कच्चा है तो नाचेगा, वृथा वृथा का मतलब बेकार। अगर मन कच्चा है यानी कि मन एक जगह फोकस नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो वो व्यर्थ में ही इधर उधर दूसरे जो विषय हैं उनकी तरफ क्या है वो आकर्षित होगा, और ये छापा माला जापा तिलक ये सब करेगा, लेकिन इससे राम नहीं मिलेगा, उससे ईश्वर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ईश्वर का संबंध किससे, हृदय से। और अगर हृदय अगर स्वच्छ है, निर्मल है और एकाकार है, तब वहां पर क्या है, ईश्वर का वास होगा। और हृदय अगर चंचल है, वो फोकस नहीं है, उसका एकाकार नहीं है, एकाग्र नहीं है वो, तो क्या होगा कि आप कितनी छापा तिलक कर लो, माला जप लो, उस ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे,
क्यों? क्योंकि इन सब का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति का जो सीधा संबंध है वो किससे है? हृदय से है। ये किसका मानना है? बिहारी का मानना है। ठीक है, तो ये भी क्या एक नीति से संबंधित दोहा हो गया। इसको हम कह सकते हैं भक्ति संबंधित, कह दो कि ईश्वर की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? भक्ति रस है। तो हमारे सिलेबस के अंदर ये इतने से दोहे थे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा।